करेंगे। चलो अगला, इन द सर्किट शोन बिलो पावर इज डिलीवर्ड बाय, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स की पावर बतानी है, बताओ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों की पावर बतानी है आपको। देखो यार, ये करंट आपको IX दिखाया है, ये करंट 2IX दिखाया है और ये भी IX दिखाया है। चलो कम ऑन एवरीबडी, चलिए 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 फटाफट से आंसर निकालो यार। एक्चुअल में ना यार, जब मेरे को ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन मालूम चला था, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया ना, इसी को देख के मालूम चला था। जब मैंने ये कभी ऑफलाइन कराया, बच्चे मेरे पास डाउट लेके आए कि सर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिटेशन है। और तब तक पता है मैंने ये देखा कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे थे, जो भी कोई पढ़ा रहा था, नोट्स में कभी कहीं भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिटेशन नहीं लिखी थी, है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ये नहीं बताया था कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि आई गॉट टू सी कि यार लिमिटेशन तो है। देखें, अब देखो यहाँ से करेंट आई एक्स गया तो प्लस माइनस, यहां से आई एक्स आया प्लस माइनस। अब अपन बाहर बाहर से ना ऐसे केवीएल लगाते हैं यार, 40 माइनस 500 आई एक्स प्लस 400 आई एक्स प्लस 200 आई एक्स। अब बेटा यहां से आप आई एक्स निकालोगे -0.4, ठीक है। अब पावर अगर चाहिए तो यहां पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ये कर रहा है 40 आई एक्स -16 वॉट, यानी एब्जॉर्ब्ड। अब इसका वोल्टेज अगर निकालना है डिपेंडेंट सोर्स का, तो यहां ऐसे केवीएल लगा दो यार, एक बार लगाओ, वी माइनस 200 आई एक्स माइनस 400 आई एक्स, तो वी इज इक्वल टू 600 आई एक्स विच इज इक्वल टू कितना, -240 वोल्ट। अब ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है भाई, देखो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कितनी है, वी इंटू 2IX। वी कितना है भाई, -240, 2IX -2 इंटू 0.4 यानी 192 वॉट पॉजिटिव आ रहा है, यानी डिलीवर्ड। तो यहां आएगा ए, डिलीवर्स 192 वॉट, ठीक है, डिलीवर्स 192 वॉट। बात क्लियर हो गई। इंडिपेंडेंट वाला बेटा एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि डिलीवरी का साइन कन्वेंशन है और आंसर नेगेटिव आया। अगर आपका डिलीवरी का साइन है और आंसर नेगेटिव आता है, माने एब्जॉर्प्शन। यहां डिलीवरी का साइन है और आंसर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डिलीवर्ड। इसका क्या मतलब है, डिलीवर्ड, तो 192। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग सर्किट द पावर डिलीवर्ड बाय 6 एम्पियर सोर्स इज, इन द फॉलोइंग सर्किट द पावर डिलीवर्ड बाय 6 एम्पियर सोर्स इज। चलो कितना पावर देगा ये 6 एम्पियर वाला,
जल्दी जल्दी निकालो भाई, मज़ा आ रहा है ना बनाने में सवाल? लग रहा है अब नेटवर्क के बेसिक पे कुछ कमांड आया है कि नहीं आया बताओ? डिपेंडेंट सोर्स का डर कम हुआ? मैक्सिमम बच्चे डिपेंडेंट सोर्स से घबराते हैं यार। नमन ने बहुत फास्ट आंसर किया है 48, चलो देखते हैं। कनोडिया नहीं मिल रही। अब बेटा एक ग्रुप वाले बच्चों से पूछो, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना अंकित गेट, उन लोगों के पास है एक्चुअली, वो लोग एक दो बार शेयर कर चुके हैं तो आई नो दे हैव, तो वहाँ पता कर लो। पावर सिस्टम के नोट्स मेरे भाई मैं डाल दूंगा, अभी क्या बहुत सारी चीज़ों में बिजी चल रहा हूँ तो मुझे खुद ही डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, मेरे मेल पे पड़े रहते हैं ना। देखें, देखो यार ये वोल्टेज कितनी है, देखना मेरा मेथड 2I0, तो ये भी कितनी होगी पैरेलल में 2I0, तो इसमें कितना करंट जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस यानी I0/4। अब आप एक चीज देखो, यहां से 6 एम्पियर आया, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक में गया I0, एक में डिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से I0/4, दूसरे में भी I0/4, तो कितना हुआ 3I0/2, तो I0 कितना आया 4 एम्पियर, तो वोल्टेज जो थी 2I0 ये कितना आई। अगर ये वोल्टेज 2I0 आ गई तो ये कितना पावर डिलीवर करेगा, तो ये पावर देगा भाई 6 × 2I0 यानी 48 वॉट, 48 वॉट। ठीक है चलो अगला। कंसीडर द गिवन सर्किट द पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रेजिस्टर। अरे एक मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुप है अंकित गेट के नाम का, जहां आप लोग जितना मर्जी चाहे चैट कर सकते हो। चलो कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो द पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रेजिस्टर। ये ऊपर वाला करंट IX है और ये डिपेंडेंट सोर्स है 10 IX। चलो विमल ने पहले ही आंसर दे दिया 25 वॉट, चलो देखते हैं और बाकी लोग बताओ। ये तो यार अभी मैं भी नहीं बता सकता कब वर्क करेगा कब नहीं करेगा, जब रिपेयर हो जाएगा तो आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। ठीक है चलो हाँ, सर्किट तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया यार। अब गेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो थोड़े तो टफ वाले भी देखेंगे ना। अभी आप लोग जो मेरी स्पेशल क्लास में AE JEE के सवाल बना रहे हो तो उसके अंदर तो हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जब 1 घंटे में 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने हैं तो ईजी आएंगे। गेट में आपको पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 मिनट का टाइम मिलता है तो थोड़े लंबे भी आएंगे। आया भाई किसी का आंसर? गुरजीत कह रहे हैं, डी अश्विनी कह रहे हैं 50, नमन कह रहे हैं 100। चलो देखें एक बार यार, यहाँ पे शॉर्टेस्ट मेथड में क्या अपना सकता हूँ मुझे ये देखना है। ठीक है चलो एक बार नूडल से ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये जो वोल्टेज हो गई ना, ये हो गई 10 IX। ठीक है ये हो गई 50, सपोज ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई V मान लो।
और ये ऊपर से अगर केवीएल लगाओगे ना तो ये हो गई 50 माइनस 12 ix। इससे मैंने क्या है ना वेरिएबल बचा लिए, ऊपर जो है ना 12 ix का वोल्टेज ड्रॉप आएगा, 12 ix का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं वी और ix, तो पहले ना 10 ix वाले पे तो नहीं लगा पाओगे KCL, इस पे लगाओ वी वाले पे, वी माइनस 50 माइनस 12 ix वी वाले नोड पे लगा रहा हूं अपॉन 8 प्लस वी अपॉन में 2, ठीक है, और इनकमिंग है 2, 8 LCM ले लो भाई, वी माइनस 50 प्लस 12 ix प्लस 4v इज 16, 5v प्लस 12 ix इज इक्वल टू 66। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ना नोडल आप इस पे लगाओ 50 माइनस 12 ix पे, 50 माइनस 12 ix माइनस वी बाय 8, ठीक है, प्लस 2 गया और अंदर आ रहा है इसमें ix, अगेन 8 का LCM ले लो, ठीक है, 12 ix 20 ix एक सेकेंड, 16 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 20 ix प्लस वी। मुझे क्या चाहिए, 4 ओम की पावर चाहिए, तो उसके लिए मुझे ix निकालना पड़ेगा। तो अगर इसमें मैं, मुझे बताते चलना मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं, ये सही बन रही है इक्वेशन, इक्वेशन में कोई गलती तो नहीं है। चलो अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें यार, तो 100 माइनस 12 88, यार पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, प्लस 2 इज इक्वल टू ix, तो 8 इधर गया, 16 66, चलो 330 माइनस 66 कितना होगा, 264, अब ये 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 50 माइनस 10 ix यानी 20 वोल्ट, तो पावर कितनी होगी, 100 वॉट आ रहा है, तो आंसर इज डी, सही है, ठीक है, आंसर डी आएगा, दैट इज 100 वॉट, क्लियर है, मैंने नूडल से बना। टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस, अन एकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर, अ चैलेंजिंग गेट कॉन्टेस्ट इंजीनियर टू गिव यू एन एक्सपीरियंस लाइक नन अदर, वेयर यू पुट योर नॉलेज टू टेस्ट एंड बैटल इट आउट विद अ बेस्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। अन एकेडमी कॉम्बैट is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.